तो कल जहाँ से रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत कि हम काम करते हैं, मीनिंग मैं परचम के साथ जुड़ी हूँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बम्बई के काफ़ी करीब में, मुमरा में हम काम करते हैं। हमारी पहचान ज़्यादातर फुटबॉल के साथ जुड़ी हुई है और शायद आज के शेड्यूल में भी लिखा हुआ था फुटबॉल एंड परचम। बट मैं यानी परचम के बारे में बताना चाहूँगी एंड ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट कि ये जो 2 दिन का है प्रिकेरिटी के साथ में जुड़ते हुए, कि ये परचम क्या है और क्यों है। तो शुरुआत ज़रूर हमने की थी फुटबॉल के साथ, पर फुटबॉल की शुरुआत की वजह भी ये थी कि हम एक ऐसे जगह में थे जो, अगर आप प्रिकेरिटी कहें तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इट फुलफिल्स ऑल द एंटायर डेफिनेशन ऑफ प्रिकेरिटी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो दंगों के बाद बनी है। 80% मुसलमान रहते हैं, और क्योंकि जब आपकी शुरुआत एक इस बिगिन इट बिगिन्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ अदरनेस ऑफ वायलेंस, देन द नीड टू असर्ट योर आइडेंटिटी इज सो मच मोर इम्पॉर्टेंट दैट एंड दैट आइडेंटिटी देन गेट्स असर्टेड एज अ मीनिंग एज अ मुस्लिम वुमन, देन थ्रू द हिजाब और दिस वेरी और फंडामेंटलिज्म विच इज सो रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट यू द मुस्लिम। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर वर्क। और जब हम फिर ये देखें कि ये कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर परचम क्यों काम करना चाह रहा है? तो परचम इसलिए काम करना चाह रहा है क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, कि हमारी दुनिया ऐसी हो जहाँ हम एक दूसरे को समझें। मीनिंग वी वी सो व्हेन वी स्टार्टेड आर्टिकुलेटिंग द विजन ऑफ परचम, वी फेल दैट वी नीड टू स्पीक ऑफ, यू नो, वी वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज़ जस्ट एंड इक्वल, मीनिंग अ सोसाइटी वेयर वी आर एबल टू सेलिब्रेट डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू एनकरेज दैट। तो परचम की फिर हमने सोचा कि फुटबॉल के जरिए स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा अलग सा इनिशिएटिव था क्योंकि आमतौर से जब मुसलमान औरतें काम करती हैं या मुसलमान कौम के साथ काम होते हैं, तो वी ऑफन गेट इन टू इश्यूज़ ऑफ से मैट्रिमोनियल राइट्स एंड मीनिंग एजुकेशन एंड दीज थिंग्स बिकम मीनिंग दे आर नॉट ईजी एट ऑल, बट दीज आर द थिंग्स दैट वन ऑफन गेट्स एसोसिएटेड विद। तो हम सोचा कि थोड़ा अलग कुछ करते हैं। और इसके पहले यानी मैं इस ग्रुप की एज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, पर द एवरेज एज ग्रुप ईयर इज़ अराउंड 20 ईयर्स। कई सारी बच्चियाँ जो हैं वो 16 साल की हैं, स्कूल में जाती हैं, और परचम जो है वो पूरा वॉलंटियर ड्रिवन एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने सोचा फुटबॉल से इस तरीके से शुरू करें कि हिंदू और मुसलमान लड़कियों को साथ में लेकर आएँ और खेलें। अब खेल जो है हमें लगा बहुत आसान होता है कि एवरी वन लव्स टू प्ले, बट प्ले इट्स सेल्फ इज सच अ कंटेस्टेड थिंग, राइट? एंड इन अ लोकेलिटी वेयर विच इज़ अ गेटो एंड विच इज़ वेरी फंडामेंटलिस्ट ऑल्सो, टू फाइंड अ स्पेस वेयर गर्ल्स विल बी एबल टू प्ले वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस। एंड वी डिड दैट, मीनिंग आई थिंक कि हम हर एक कॉलेज में गए। हमें लगा कि बंद एक ग्राउंड होगा तो ज़्यादा सेफ्टी का एहसास होगा और हम वहाँ खेल पाएंगे। ओके, आई डोंट प्ले फुटबॉल, आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट फुटबॉल, बट क्योंकि मुझे कई बार वो यानी अभी तो वो गोल पोस्ट पे भी नहीं खड़ा करते हैं क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। सो खैर, पर लड़कियों को लगा कि फुटबॉल खेलना, और उससे हमने फिर शुरू किया। और तो हमें ग्राउंड की ज़रूरत थी। अब फुटबॉल क्यों शुरू किया? क्योंकि ये देश में जो क्रिकेट इज़ द गॉड, राइट? आई मीन रिलीजन, हमारा एक रिलीजन एंड क्रिकेट वन रिलीजन, तो इसके परे है नहीं कुछ। तो हमें लगा कि नहीं भाई, ऐसे रिलीजन्स में अटकना थोड़ा मुश्किल है, सो वील चूज़ फुटबॉल, लेस कंटेस्टेड, ज़्यादा मच नहीं होगी, एंड इट्स अ टीम गेम, सो एवरी वन इज़ ऑन द फील्ड टुगेदर, एवरी वन हैज़ टू एंगेज टुगेदर। फुटबॉल इज़ ऑल्सो अ गेम वेयर मीनिंग आई थिंक दैट वॉट यू डू ऑन द फील्ड इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ यू एज अ पर्सन आउटसाइड द फील्ड, कि आप गुस्से को किस तरह समझते हो, आप फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से उधर पे रिस्पॉन्ड करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल जिंदगी में। तो वी आर एबल टू हैव दीज डिस्कशन ऑफ द फील्ड ऑल्सो, सो दैट पार्ट आई कैन डू। द फुटबॉल प्लेइंग इज डन बाय द गर्ल्स, एंड सो इन दैट व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ ग्राउंड, वी थॉट बंद यानी एक स्कूल ग्राउंड हो तो बहुत ही बेहतर होगा। किसी ने हमको ये अलाउ नहीं किया, यहाँ तक कि लड़कियों ने बोला कि आपका ग्राउंड इतना ख़राब है, हम उसे साफ़ कर देंगे, उसमें हम गोल पोस्ट वगैरह लगवा देंगे, पर फिर भी दे वर नॉट विलिंग टू गिव इट टू अस। फिर फाइनली एक मंदिर का ग्राउंड हमें मिला,
जहाँ पर लड़के ऑलरेडी क्रिकेट खेलते थे, वहाँ हमारे कई सारे नेगोशिएशंस हुए। ऐसे मेला लग जाता था जब 40 लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं और मेला है मर्दों का, और सीटियाँ बज रही हैं, यानी बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। तो मेरी उम्र, मेरे सफ़ेद बाल और यानी अभी ढके, पर मैं और मेरी एक और दोस्त हैं अकीला, वो आज नहीं है यहाँ पर, हम लड़कों के साथ झगड़ने का काम करते थे और लड़कियाँ फुटबॉल खेलने का काम करती थी। तो पहले मेरे ख्याल में वी प्लेड ओनली संडेज, बिकॉज अगेन वी आर वॉलेंट्री, वी डोंट, काम के बाद में ये सारा कुछ होता था। तो एक महीने के बाद दैट नॉवेल्टी वोर ऑफ, ओके, एंड फिर कोई नहीं आया तंग करने। पर जो लड़के वहाँ खेलते थे उनके लिए एक डिस्प्लेसमेंट हो गया कि यू नो ये क्या हो गया, कि पहले हफ्ते उन्होंने प्यार मोहब्बत में दे दिया कि चलो लड़कियाँ खेल रही है खेल लो, अगले हफ्ते फिर आ गए 4 बजे ये लोग, तो अब क्या होगा। सो देन उनके साथ बहुत झगड़ा हुआ। सो द ओनली वे वी कुड गेट दैट स्पेस वॉज देन टॉकिंग टू द कॉरपोरेटर हु वॉज ऑन दैट टेम्पल ट्रस्ट, एंड टू से कि भाई देखो इतनी अच्छी, यानी प्रोग्रेसिव आप कहलाओगे एंड ऑल दैट, बट मुमरा में दैट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव, ओके। मुमरा में इफ़ यू अलाइन योर सेल्फ विद द मैन देन दैट विल गेट यू वोट्स, नॉट बींग प्रोग्रेसिव अराउंड वुमेन। बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, और उन्होंने बोला देखो मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ कि आपको मिलेगी जगह, पर ये आप कह सकती हो कि ये आपको खेलने के लिए दिया है। सो वी यूज इट टू से कि भाई पुलिस कंप्लेन कर देंगे, उन्होंने हमको ये दे दिया 4 से 6। तो उसके बाद से वी वर एबल टू प्ले देयर फ्रॉम 4 to 6। नाउ लास्ट ईयर दैट ग्राउंड वॉज कन्वर्टेड इन टू अ कार पार्क, सो दैट वॉज ओनली ग्राउंड एंड वी लास्ट इट। अब करें तो क्या करें। तो पर उसके बीच जब ये हम खेल रहे थे और ये मेला लग रहा था मर्दों का, तो हमारे बीच में थोड़ा डिस्कशन हुआ कि ये ऐसे क्यों है, क्यों इतना मुश्किल है खेलना लड़कियों के लिए, और तो क्या किया जाए कि हम खेल पाएँ। तो लड़कियों ने बोला चलो एक सिग्नेचर ड्राइव करते हैं कि हमें एक ग्राउंड चाहिए, और उन्होंने सभी कॉलेज के बाहर, तो हमारा सारा काम ऐसा ही होता है कि हम एक नोट लिखते हैं, उसको जेरोक्स करते हैं और फिर वो बांटते हैं। तो जैसे जब फुटबॉल का भी गेम स्टार्ट किया, एक नोट लिखा कि फ्री 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 फुटबॉल खेल सकती हैं आप, आइए हम सिखाएंगे, और ऐसे 40 लड़कियां हमने जमा की। यानी कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे, देखते थे अच्छा ये लगती है 12-13 साल की, ये आ सकती है हमारे ग्रुप में, तो उसको दे दिया पर्चा। तो ऐसे ये एक ऐसी टीम बनी। वैसे ही फिर हमने सिग्नेचर कैंपेन के लिए एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा, उसके पहले थोड़ा सा होमवर्क भी किया कि मुमरा का डेवलपमेंट प्लान खोलकर देखा, और देखा कहाँ कहाँ ओपन स्पेसेस हैं, कहाँ वो रिजर्व की हैं प्लेग्राउंड्स के लिए और रिक्रिएशन ग्राउंड्स के लिए। फिर देखा कि कौन सी जो रहेगी वो सेंट्रल रहेगी और हमारे लिए अच्छी रहेगी जगह, उसको मार्क करके फिर एक सिग्नेचर ड्राइव में हमें करीब 950 सिग्नेचर्स मिल गए लड़कियों के, वो लेकर हम अपने MLA के पास गए। अब MLA साहब को पहले हमने बोला कि हमको फुटबॉल ग्राउंड चाहिए भाई, तो बोले ये क्या नहीं बकवास टाइप नो। देन ही सॉ कि वो, और क्योंकि लड़कियों ने जमा की थी तो उन्होंने अपने नोटबुक से पेजेस फाड़े थे, एक एक सिग्नेचर, तो ऐसे 950 में तो काफ़ी सारे पेजेस हो गए। तो उनको लगा अरे बाप रे दम है इसमें। तो उन्होंने देखा 950, बोला चलो कब आते हो हम कमिश्नर से मिलते हैं। और फिर उन्होंने हमारी मुलाकात कमिश्नर से करवाई, कमिश्नर बोले बहुत ही बेहतरीन है चलो कर देते हैं। उन्होंने हमें एक ग्राउंड रिजर्व कर दिया, ये कहा कि ये सिर्फ तुम लड़कियों के लिए ग्राउंड रहेगा। अब वो ग्राउंड तो रिजर्व किया, लेकिन बम्बई में लैंड इज़ सच अ प्रेशियस कमोडिटी, एंड इट वॉज ओके फॉर द कमिश्नर एंड द MLA टू से दैट दिस इज़ फॉर यू गाइज, बट फॉर द इंजीनियर्स हु हैड टू एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर दे कुड नॉट स्वॉलो इट। सो नाउ इट्स बीन 3 years एंड द इंजीनियर्स कीप ब्रिंगिंग इन अ न्यू रीजन फॉर नॉट वर्किंग ऑन दैट ग्राउंड। समटाइम्स दे सेड इट्स CRZ, एट अदर टाइम्स दे से दैट यू नो द ट्रांसफर हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस and all kinds of things. Also, we have not found the time to follow it through, but it will get done. So, ye, for us, it was, what we started with was, ki bhi ladkiyon ko ikhatta lana hai, Hindu ladkiyon ko, Musalman ladkiyon ko ikhatta lana hai, aur khelna hai, ek open ground mein. Wo kaam karte karte, bahut saare alag alag mudde, shahar ko lekar, usmein nikal kar aaye. Aur us shahar mein bhi, phir wo, Hindu and Muslims kaise interact karte hain, ye kahani bhi badhti gayi. So, when we started, we were like, almost, 60% Muslim girls, 40% non-Muslim girls. Then we had a dropout from the non-Muslim girls as soon as we changed the area to a Muslim locality. So Mumra is this very interesting place. Okay, ki 3 kilometer lambai hai. Station se shuru karte hain to kareeb 1 kilometer usse kam tak ki non-Muslim abadi hai. Uske baad pura Musliman abadi hoti hai. So the non-Muslims were scared of coming into the Muslim area ki wahan gunde rehte hain. Wahan hamari bachiyon ko kuch ho jayega.
सो वी हैड इमीडिएट ड्रॉप आउट एंड नाउ वी हैव ओनली टू नॉन मुस्लिम गर्ल्स इन आवर एंटायर टीम ऑफ 40 गर्ल्स हु प्ले इन द मुस्लिम एरिया बट सिंस देन वी नाउ ऑल्सो प्ले इन मानखुर्द विच हैज़ मोर मिक्स्ड पॉपुलेशन और कुछ लड़कियों को ट्रेन करने से जैसे एक लड़की मदनपुरा मीनिंग आई डोंट नो माइट नॉट बी फेमिलियर विद बॉम्बे बट मदनपुरा इज दिस अदर मुस्लिम घेटो इन साउथ बॉम्बे और वहाँ से वो बच्ची जो है वो मुमरा तक आती थी विच इज़ ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स टू प्ले फुटबॉल विद अस फिर वो परेशान हो गई आफ्टर अ मंथ एंड अ हाफ और उन्होंने बोला बस मैं मदनपुरा में कुछ करती हूँ नाउ शी हैज़ फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 16 गर्ल्स हु स्टार्टेड प्लेइंग इन वन ऑफ द ग्राउंड्स इन मदनपुरा सो आई थिंक दैट इट चैलेंजेस सो परचम से ये भी है कि हम ये सोच कि मुसलमान लड़कियाँ पिछड़ी हैं ये इनकी ज़िंदगी बुरखे नकाब के आगे जाती नहीं है शादी के अलावा इनकी सोच नहीं है और मुसलमान लड़कियों के साथ इस किस्म का रेडिकल काम पॉसिबल नहीं है ये सोच तोड़ने के लिए आई थिंक दैट वाज द इंटेंट दैट वी स्टार्टेड परचम विद एंड आई थिंक वी मैनेज टू डू दैट बिट सो वी हैव डन मेनी अदर इनिशिएटिव्स आल्सो वी हैव डन लाइक यू नो सोनल वाज मेंशनिंग द सांतियागो एक्सपेरिमेंट बट वी हैव डन दैट इन मुमरा एज वेल एंड इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल सो आई थिंक दैट वर्क एंड एज अ ग्रुप we have to start thinking out of the box and if we have to challenge these stereotypes we need to do them differently now otherwise they just kind of wahi hamari gaadi jo hai wo atakti rehti hai to ek aur choti si kahani and then I'll kind of give it to others to speak ki hum haal hi mein mesco was celebrating I think 10 or 20 years of their work and they had this thing on vocational training par wo ek छोटा सा ग्रुप डिस्कशन करना चाहते थे कि कौन जो करती है उनसे समझना है सीखना है तो हमने कहा हम वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं करते हम तो फुटबॉल खेलते हैं पर वो फुटबॉल के ज़रिए अब हम ये सोच रहे हैं कि कई सारी लड़कियों को हम रजिस्टर करना चाहते हैं विद मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन एंड इफ टुडे मीनिंग द सिनारियो इन बॉम्बे डेफिनेटली इज चेंजिंग वी फुटबॉल तो पहले लाइक क्रिकेट वॉज गॉड इफ टुडे यू पास बाई द ओवल मैदान एंड द आज़ाद मैदान you will see people playing only football rather than cricket so and now we have all these ambassadors of Bollywood who are wanting to promote football and football and all kinds of variations of football so we feel that this MDFA would be fantastic for the girls to get into to jab MESCO mein hum baat kare to almost everyone was talking about silai machine and you know meaning that the kinds of things people promote as livelihood and then there was football I think that it is also a viable alternative and it is also an alternative which strengthens so much ki main band kamre mein kai sare yani hum libraries chala chuke hain bahut kuch kiye par jab aap bahar nikalte ho aur wo confidence jo aapko aata hai from playing in an open space amongst the girls is vastly different and if we can do that I think it the kind of discussions that are possible are also so much richer than what we've had in the past so I'm not saying that you know that needn't be done because yahan aane ke liye jo humne wo band kamron mein kaam kiya wo bahut hi zaruri tha par uske abhi aage jaane ki bhi hame ek zarurat mehsoos ho rahi hai thank you So I'll try and draw from some of the points yesterday as well. I wanted to actually start with a sort of a personal story, given how much we've been talking about the personal is the political or is not the political or should be more of the political, whatever. But given all of that, I wanted to actually start with a small story about how I sort of look back and think about how I... how my love for cities actually shaped and sort of started really from my body. At some point, I started getting more and more interested in how the city works. And I started looking around and looking up and down and looking at buildings, looking at various things, including at people and what they were doing and their practices. And suddenly, at some point, it occurred to me that
all the years before that, as a woman, in public spaces particularly, on the streets of the city, I used to walk in a particular way. And, I mean, I can only show it to you, but it was, I used to walk like this in a sort of a hunch. And it was a very inward kind of focus. I typically also didn't look, either I looked straight ahead or I looked down, and I usually used to walk quite fast. Or if I was ambling along, it was usually in a group of friends and I was talking to them. But it was never sort of purposeless, it was never loitering, it was never aimless, it was never hanging out. And it didn't actually engage, I didn't look at different strangers in the face and in the eye. And it really, I think that's something that, I spent some time thinking about this, thinking about what is this body that I, is it, you know, is it that I'm protecting it? Because I mean, very clearly, I think hunched up was to protect my breasts from like being looked at or poked. But it was also an entire sort of inward push. And I realized that my interest in cities and my interest in sort of studying cities and engaging with cities actually had propelled me to sort of look outside and look outward. And I realized at that point that I started opening up my body and I started moving much more freely in spaces. And to sort of push that a little bit further, in this whole personal interest in looking around me and sort of engaging with the world in a much more sort of bodily way, sort of upfront way, I realized that so many spaces didn't have very many women. And it's kind of, in some ways, it's not rocket science. I mean, everybody knows this. There are so many areas. But I sort of noticed it for the first time in a very sort of visceral way. And not just didn't have people, but there were certain activities, certain areas which were sort of very much no-go and you sort of passed through quickly or you didn't go there. You went only in a group or then you always heard people talk about your safety and your danger. And I think that kind of, so my sort of movement from the personal, the very much the body, and in that sense, my personal quest for a politics was also tied in with my love for research and my desire to actually take up a particular kind of research, a much more qualitative, much more ethnographic kind of research, which involved me actually hanging out and occupying spaces, being in place, just my body being in particular places, doing particular things, wearing particular things, looking a certain way. Just that itself, I felt, was the beginning of a certain subversiveness. So in that sense, my sort of drive into research and my sort of push was very much as, and this is really, as I say, looking back, this is not something that sort of I understood as I was going along it, but sort of looking back. So to look at then this idea of engaging and studying the city and being an urbanist in the city, but starting then from a very personal sort of body place for me was, I think, important. In terms of sort of, I wanted to talk a little bit about then the actual sort of some of the research work I've done. And one of the, I'll talk about a recent project that I've been involved with for a few years. It's a city in the edge of the Mumbai metropolitan region. And it's quite a new city in the sense it was formed newly. And it's, there's a large chunk of migrants in the city. They're largely male. They're very young. A big group of them come from Eastern UP and Bihar. And so there's a lot of tensions also with local people. But if you look at the city and you understand it, it's very much a city that's built by men. Men talk about city building, they talk about shaping the space, they're very present in the public space. And if you want to actually understand what role women play, you actually have to move out of these public spaces and go to small bastis and small areas, small communities to actually understand. And this is really the private space. So we were following this particular community of women. Their husbands would work in the neighboring factories. And they were gone from very early in the morning to late at night. So it was really the women whose work it was to actually build the home and make a viable place in the city for their families. So a couple of things that really struck me, and I want to actually particularly talk about this idea then of homemaking and what it involves. It's very often dismissed as something small. It's typically not accounted for in larger, you know, say, in productivity measures, for instance. It's not valued, it's not paid highly, or not at all. But from my work here, what really struck me was this
place, this homemaking that women engaged in. As migrant women in this city, the city they lived in and worked in was an extremely hostile place. And in some sense, I really, you know, I was doing some reading of different authors, and there was a particular book that I was reading by Bell Hooks, where she talks about the apartheid, and she talks about then the home place that was created by women as a safe space and as a radical place of radical politics and radical imaginations, and a place to sort of recuperate dignity. And that really stayed with me, because in this place that I was looking at, it was a really, really difficult place to live in. And what the women really did was actually to recuperate their dignity in this private, semi-private, and they sort of spilled over their home into sort of outside spaces as well. So what I started then thinking about is really this politics that actually existed around homemaking, and around what was home, what was sort of pulled out and spilled out and encroached into the outside, and particularly around, for instance, a very simple task of gathering water. I think Anant mentioned it yesterday, and so the entire work, a lot of their work was actually focused on gathering water. And they lived in these one-room chawls, which were built on farmland by the local landlords. And the local landlords both depended on them for rent and rental income, but at the same time didn't provide them with any facilities. So for instance, there was only one municipal tap, which was provided to the village in the Gautam area. So they would have to go there and stand in a line. And every day it was a major fight with the landlords, and they would be screamed at in many cases. There was physical abuse. They were humiliated. If they started fighting for water, the landlords would pull up the tap and would walk away and say, "Now you don't deserve any more water. That's it." And they would just go away. And so the women would be left. So on the one hand, they had to deal with this, and how they actually, the kinds of strategies they used, the coping mechanisms, the sort of the collective sisterhood they developed among themselves, warning mechanisms, for instance, or identifying particular taps that they could use at different points in time. And the sort of the most ultimate exit strategy during the summer, when things were really bad, they would go home for a month because they couldn't manage living there. So it was all these different strategies that they did on their own. Because as they said, and this was the other thing that was interesting to me, in a sense, it was really the paradox of their agency. Because they talked about how, they would talk about being beaten and abused by the landlords, and they saw that as deep oppression and injustice. They talked about being citizens in the city. They talked about contributing and building the city. They talked about wanting to pay and contribute and be contributing members. But they also talked about being beaten by their own husbands within their own families. But interestingly, they didn't talk about that as oppression. They didn't seek justice for that. They didn't mobilize around that. And I think that for me also was something interesting, apart from the politics of homemaking, because it really made me reflect on then, how do you understand then patriarchy and how people actually respond to structures of oppression and subordination? At what points in time do they actually seek justice? How do they do it? And so I really started thinking then in terms of even these larger structures as how the people themselves understand them, how they perceive them to be. And that for me was a very useful, and I particularly found useful Saba Mahmood's idea, and she develops it in the context of the Middle East. But it's a very interesting idea of how to think then of agency as being enabled within structures of existing subordination. And these structures are very historically specific, so they might operate very differently and conditioned by history in different places. So I think, again, for me, this understanding of how do you think about how people mobilize, how they seek justice, how they collectively act, it varies so much, and it depends on how people themselves respond. So I think so much literature on this notion of, say, double patriarchy, for instance. At some level, that's a theoretical concept. How do people actually then, within what structures they have, actually enable and coexist? And clearly, there are limits to this. So then the question is, how do you then think about the micro places and politics that people then, small, everyday, transgressive acts that you guys were talking about yesterday, how do we each participate in them? But then how do we think of sort of
assembling these or accumulating these at a larger level? Is that even possible? Because a lot of times I noticed that this was not always a conscious act of collective mobilization, of saying, chalo, we'll, you know, have a revolution here. It was not always about that. So when in such a situation, how do you then think of accumulating this at a larger level, or does that even need to be a conscious accumulation? I think that for me, sometimes this particular case really brought to light. I just want to end on literally just a third small thing that I wanted to say. Having actually spent some time engaging and thinking about this issue of the gendered city, gendered spaces, how we each of us respond to our own bodies and the politics that we develop as a result of some of these, and how that propels us to act in certain ways. How, once we've done all this, how do we then share this kind of learning? And this is something that I've thought about and spent some time really thinking about, because the kinds of spaces we have to share our different, either our own personal experiences of womanhood or our experiences as urbanists in this gendered city, there are very few spaces that actually permit this kind of sharing. And I think this is one thing I wanted to really thank Dodin and Anant and Bashwati and the entire team for providing this kind of space. Because I think one of the things that I'm seeing increasingly, we are talking a lot about communalization and a whole lot of other kinds of polarizations that we are seeing in the current political situation that we are facing. But if we think about then also this, the recent, for instance, the list that and the whole that Raya Sarkar actually created, and the kind of unsettling, the kind of very vituperative kind of reactions that it spurred, the kind of also positive discussions that it generated. But one of the fallouts of all of this, I think, is this is the fact that there are increasingly fewer spaces where people can actually share these things and have conversations. Because a lot of times, there's a lot of fear and anxiety. It's a different kind of fear and anxiety. It's about how do we ask questions about things we don't know about? How do we actually cope with, gender? What is gender? I mean, I think that itself, you know, what are the differences, fundamental or otherwise, as Tripta was discussing yesterday, between men and women? This was a question asked. So how do you actually respond to questions like this? How do you ask questions like this? And how do we create enough spaces that we actually can ask these questions and also respond without closing down, I think, further areas of inquiry? And that is something that, I mean, I think this recent case of the list really sort of very starkly showed up to me, because I felt that one of the ways, one of the reactions that came through so strongly was a letter that was responded that actually closed down. And what needed actually, really what needs increasingly to be done today is to open up. So I think if we can really maybe reflect, I would really be happy if we can reflect on how do we create these kinds of spaces and sort of be communities that actually generate these wherever we are. So just to add to what you said, how do we create such spaces? I'll give you a background of what we do, and this will come in that. So I work with Godrej, and we have a CSR team where what we aim to do is we want to work with women in informal sectors. So hamara jo program hai wo shuru hua jisme we wanted to work with women who are in beauty and wellness field or in that sector. So like any other CSR, humne socha ki ek certificate denge, placement dilayenge, and things will change. So in that process, placement came in. लड़कियों को हम training देते थे, उनको जब placement की बात आई, then of course small towns or these big cities were the target where these girls could go and get their placements. But definitely our cities are not ready. हमने discuss किया है. यहाँ पे problems like if a girl is from say northeast, उसको कोई अगर आप rent कितना भी ज़्यादा दे दो या advance कितना भी ज़्यादा दे दो, people don't want to take them in. So for people like that, it was very difficult to come into these cities, start working here. And then we took a step back and we thought that this is not the right approach. How do we work and how do we solve this problem? So what we started doing is we started working with our trainers, jo ladkiyon ko train karte hain life skill ke zariye se. Unko first step was ki we asked our own trainers ki can you come to a certain place, say in Bombay,
for 10 days where we all sit down and understand what are the issues. So in that process, there were so many trainers, our own trainers who want to teach the girls further, who were not able to negotiate with their own families to come for 10 days or for 5 days or even for 2-3 days. And these are women who are from Maharashtra. They are not even saying ki aap bahar se aao. So that was one of the things that we started with. But today, we've reached a place where they are able to do this. There are trainers and women who are coming and doing this program. Now, we started doing this entire life skill from last 1.5 years. What is happening now is in place like Gujarat, where we've been working for a very long time, we have these women, alumni, who have been, you know, working with us or through our program from last 4-5 years. Now, they needed the space to come back, sit, talk, meet with their own friends. So we've created or we came out with this project wherein we just took one place for rent and said, theek hai, this is, say, we'll call it a library. Jahan pe aap, whenever you feel like coming, please come in, take up a book, start reading and everything. So in Gujarat, we started doing this 1 year back. So first, this was a place where women came in, kuch read karte thi, we did a little bit of sessions and things like that. But we realized women were very comfortable into these spaces and started coming in. And in this entire year, what happened is we have women from one community. There was one resource center, one place where we had women from who were Muslims. And then there was another center where we had women who were Hindus. So their interaction with each other became much more. And what they themselves started doing is, Eid tha beech mein, to unhone Hindu jo aurte thi unko bulaya, and everybody started celebrating together. Then there was Dahi Handi festival, so the women who are from Hindu community, they invited these Muslim women. So that conversation started, and today they together as a community in this space start talking about different issues, like we were saying. How do we get politics? How do we ask them to start talking about these things? These are the ways that we think through which they are coming out. So that was one of the very important things that we've seen is happening organically through women themselves coming out and saying that we want to create something like this. So today we have such small places that we are creating, which is safe, where they know that they can say whatever they want to and they can come and, you know, be a part of. Anand, how much time do we have for this panel? Ten more minutes. I think there's one person who didn't speak at all in Dodin. I think she should get precedence. She did. Have the strongest voice. But please. So there are two cheezein hain jinke baare mein hum baat karenge bahut hi zyada briefly. Ek initiative jiska naam hai Sarer Ha Guzar, jo humne shuru kiya, aur dusra ek movement jisse hum jude hue hain. To पहले हम उस मूवमेंट की बात करते हैं. जब हम प्रिकैरिटी की बात करते हैं, खासकर जब हम अर्बन स्पेसेस की बात करते हैं, तो एक चीज़ है जो बहुत ही अर्बन है नेचर में, वो है यूनिवर्सिटी. तो जब हम यूनिवर्सिटी स्पेसेस को देखते हैं, तो उसमें नज़र आएगा कि कैसे प्रिकैरिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है. एंड आई एम सेइंग कंस्ट्रक्ट की जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो आ ही नहीं सकते यूनिवर्सिटी में, ख़ासकर औरतें, वो तो यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं सकती हैं. और ये बात हम ध्यान में रख लें कि जब कोई भी शहर डिज़ाइन होता है या ऑटो कंस्ट्रक्ट होता है, जो कि हमारा ग्लोबल साउथ के अंडरस्टैंडिंग है, जब कोई भी शहर हमारे सामने होता है, तो हमें ये यकीन, मतलब ये अब मान ही लीजिए कि वो सिस हेटरोनॉर्मेटिव एबल बॉडीड मिडिल एज आदमियों के लिए ही बना है. मतलब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और इसको हमें मान लेना चाहिए, बिकॉज एज वुमेन, एज physically disabled people and as queer individuals, we have seen that ye urban spaces jo hai wo accessible hamare liye hai hi nahi. To jab hum university ki baat karte hain, hum apne experience se isme batayenge. Aap imagine kariye ki Delhi University ki library jo hai wo bahut hi urban hai, matlab Hindustan ki apparently sabse badi university hai. To aap एक इमेजिनेशन है हमारी यूनिवर्सिटी का कि सब लोग आएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और डिग्री लेके चले जाएंगे और कुछ बड़े बन जाएंगे. दैट इज़ द इमेजिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वी हैव, बिकॉज वी डोंट थिंक ऑफ यूनिवर्सिटी एज स्पेसेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड वी ट्राई टू डिस्करेज
यूनिवर्सिटी द स्पेसेस ऑफ पॉलिटिक्स. तो हमारी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है. और इवन दो वहाँ पे जनरली सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करने वाले मर्द बैठे रहते हैं, बट द लाइब्रेरी इज़ रियली अमेजिंग. लेकिन रात में 12 बजे तक खुली होती है. और पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स जो हैं कैंपस में हमारे, वो 7-8 पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स हैं हमारे कैंपस में, जिनमें से ऑन कैंपस जिनमें से 6 जो हैं वो लड़कों के हैं और 2 जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं. फिर एक ज़माना आया जब बहुत ही रेजिस्टेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम औरतों के लिए भी हॉस्टल बनाते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल जो है वो आधे घंटे की दूरी पे है यूनिवर्सिटी कैंपस से, एकदम अंदर जाके एक बड़ा सा गेट है, उसके अंदर उन्होंने 4-5 वुमेन हॉस्टल्स बनाए हुए हैं. अब हमारे हॉस्टल का कर्फ्यू है 10 बजे, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल का कर्फ्यू है 7:30 बजे, यूनिवर्सिटी कैंपस में लाइब्रेरी हमारी 12 बजे तक खुली रहती है. We don't have access. 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो कैंपस में औरतें रहती हैं उन्हें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक्सेस है ही नहीं. यानी अगर हम 365 डेज होते हैं साल में, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हर दिन 2 घंटे का लॉस होता है. सच अ बिग स्टडी टाइम दैट वुमेन डू नॉट गेट. और अगर आप दूर वाले हॉस्टल में रहते हैं, या अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसे पीजी में रहते हैं जिसका कर्फ्यू 7 बजे है, तो आप अपने स्टडी टाइम को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मर्दों के पीजीज में या फ्लैट्स में they don't have curfew at all. I mean, just they can control everything, so they are allowed to roam about on the streets when and as and when they want to. I mean, it's very simple for them comparatively. Although we cannot forget the kind of precarity that is within the masculine spaces itself. उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन just to overview के लिए अगर देखा जाए तो इतना loss है हमारा लाइब्रेरी में. और उसके बाद कहा जाता है औरतें आ तो जाती हैं मगर फर्स्ट नहीं आती क्लास में. मतलब हमारे तो सोशल साइंसेज में भी, हमें तो पहले लगता था कि सिर्फ लड़कियां ही सोशल साइंस लेती हैं, लेकिन हमारे सोशल साइंस के क्लासरूम्स दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने मैस्कुलिन है नेचर में कि हम बता भी नहीं सकते, हेटेरोनॉर्मेटिव मैस्कुलिन. ठीक है, लाइब्रेरी हो गई. फिर उसके बाद अब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में ताकि हमें आसानी हो इसलिए एक तत्काल टिकट का काउंटर है. तत्काल ट्रेन की आप टिकट करा सकते हैं, जो कि हमारा हॉस्टल, क्योंकि हम आपको मेरिटोरियस होना पड़ता है कैंपस वाले हॉस्टल में रहने के लिए. तो हर और फीस लड़कियों के हॉस्टल की फ़ीस लड़कों के हॉस्टल की फ़ीस से ज़्यादा होती है. हम लोग बड़ी दीवार, बाब डिवायर्स, कैमरा, इन सब के लिए फ़ीस ज़्यादा देते हैं. तो ऑल्सो फैसिलिटीज़, बॉयज़ हॉस्टल के बड़े बड़े रूम्स होते हैं. मतलब गुयर हॉल नाम का एक हॉस्टल है, बहुत ही फैंसी, बहुत ही पुराना है. उनमें फायर प्लेस टाइप फायर मैंटल बना हुआ है और बीच में ऐसे पर्दा पड़ा हुआ है. 2 एंट्रेंस हैं शेयर्ड रूम के. लड़कियों का हॉस्टल जो कि सबसे अच्छा हॉस्टल है, जिसमें अगर आपकी फर्स्ट रैंक एंट्रेंस में, फर्स्ट रैंक मेरिट में आई है, तब आपको वो हॉस्टल मिलता है. उसमें एक टेबल और सेम कोर्स के लोगों रूममेट्स होते हैं. एक टेबल होती है 2 लड़कियों के लिए, छोटे छोटे बेड होते हैं, एक फोल्डिंग बेड होता है, एक दीवान बेड होता है, एक चेयर 2 लड़कियों के लिए, एक अलमारी 2 लड़कियों के लिए. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव लाइक इफ योर रैंक इज 1, देन यू गेट दोज हॉस्टल्स. और उनका ये हाल है. खैर, वो टिकट काउंटर की बात करते हैं. तो उस टिकट काउंटर में तत्काल की जो लाइन होती है वो सुबह 5 बजे से लगना शुरू होती है. लड़कियों के हॉस्टल में आप 7 बजे से पहले बाहर नहीं निकल सकते. वी कांट एक्सरसाइज, वी कांट गो ऑन अ नाइस रन इन द वाइस चांसलर्स पार्क, व्हिच इज जो कि सिर्फ दिन में हमारे लिए खुला है बाय द वे. अगर रात में अगर आप उस वाइस चांसलर के, तो जब हम नए नए मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो बड़ा शौक था रात में खाने के बाद टहलने जाएंगे, तो वो लॉन बहुत ही पास था हमारे हॉस्टल से, तो हम वहाँ पे जाते थे. तो हम लोग को पहले से बता दे, ओके, दिस अनदर काइंड ऑफ नॉलेज जनरेशन दैट हैपेंस इन दीज अर्बन स्पेसेस. वो नॉलेज जनरेशन ये होता है कि हम औरतें दूसरी औरतों को बताती हैं कि कैसे सेफ रहो. दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज़ जनरेटेड. सो दी सीनियर्स विल कम एंड टेल यू, सुनो इस रास्ते से मत जाना, इतने बजे से इतने बजे ये इंसिडेंट्स होते हैं, जाना तो ऐसे जाना. So this is another kind of knowledge generation that is happening. I mean, how on earth did we know कि जब हम घर से निकले तो मिरर के सामने खड़े होकर हम देखें हमारे ब्रा स्ट्रैप्स विजिबल हैं कि नहीं है, कुछ nothing is shaky and you know moving, so that people don't you know notice you. So there's a particular kind of knowledge that is also generated for us to make sure कि हम लोग सेफ हैं. तो हम बताया जाते हैं यहाँ पे किसी लड़की को बॉटल फेंक के मार दिया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया. वाइस चांसलर के लॉन में बताया गया था कि अकेले मत जाना,
and that space is completely dominated by men. You would see sare ladke wahan exercise kar rahe hote hain aur daud rahe hote hain, they're sweating and they're, you know, talking and they're, you know, sare intellectual debate sab wahan pe baith ke kar rahe hote hain, but no women in those spaces. So we started ki chalo theek hai, hum log wahan pe jayenge. So 3-4 of us used to go beech mein फोन रख के और वो जो ब्लूटूथ का चाइनीज स्पीकर होता है वो रख के गाना बजाते थे और उसके चारों तरफ नाचते थे या बातें करते थे. एक दिन गार्ड ने देख लिया और मुसीबत आ गई. मतलब मैन कैन टॉक सो लाउडली ऑन द फोन, दे कैन जॉग एंड यू नो शाउट एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट फॉर वुमेन ट्राइंग टू लिसन टू सॉन्ग्स और प्ले समथिंग लाइक जस्ट सिट एंड टॉक, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. हम लोग अगर उन कोनों में चले जाते हैं जहाँ पे जनरली मर्द ही जाते हैं तो हमें बोला जाता है उन कोनों में मत जाओ. सो दिस तो हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम था पिंजरा तोड़, हमारे कर्फ्यू को लेके, सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज़ को लेके, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते थे और ये कमिटीज़ और खासकर जो ड्यू प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा बुरा है कि तो बहुत सारे लोग तो इसलिए कैंपस में नहीं आ सकते क्योंकि औरतों के लिए रहने की जगह नहीं है कैंपस में. मैन हैव मोर स्पेसेस टू लिव, वुमेन डोंट हैव. एंड अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो पी जी वी जी वगैरह बहुत ही महंगे होते हैं और वहाँ पे अलग से मॉरल पुलिसिंग होती है, ये सारी चीज़ें. सो देयर वाज दिस मूवमेंट कॉल्ड पिंजरा तोड़, जिसकी वजह से यूजीसी ने एक सर्कुलर भी निकाला, मगर कोई ज़्यादा फ़र्क इतना पड़ा कि बस 2-3 कॉलेजेस में उन्होंने इलेक्शन करने शुरू कर दिए सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के. हमारा कर्फ्यू तस से मस नहीं हुआ है. 1966 में मिरांडा हाउस के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का कर्फ्यू 9:30 बजे था और 2017 में इट इज़ 10 बजे. मतलब इतने साल में हमसे आधा घंटा मूव किए हैं क्योंकि औरतों को क्या पता आप क्या करोगी रात में आज़ादी लेके, रास्तों पे जाके क्लब में जाओगी, पब में जाओगी, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है. सर आपसे तो बेहतर काम करेंगे एटलीस्ट. बट थिंग्स लाइक दीज दैट दे डू नॉट हैव दिस इमेजिनेशन. अ वुमन एट द एज ऑफ 18 कैन वोट, कैन यू नो डिसाइड टू मैरी व्होमसोएवर शी वांट्स, बट शी डज नॉट हैव द राइट टू टेक कंट्रोल ऑफ द नाइट. दूसरी चीज़ जो हमने शुरू की उसके बारे में बहुत ब्रीफली बताएंगे, सरे रागुजर, जिसका मतलब है पोइट्री ऑन द स्ट्रीट्स. क्योंकि सड़क एक ऐसी जगह थी जिस पे चलना दूभर था, जिस बिना नोटिस किए हुए, बिना ताने सुने हुए, बिना सेक्सुअल हरासमेंट के. सो आई डिसाइडेड दैट जब लोग नफरत है सड़कों के ऊपर, क्योंकि हमारी प्रिकैरिटी इन सड़कों पे सबसे ज़्यादा खुल के आती है, जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन दो स्ट्रीट्स. तो जब नफरतें इतनी आसानी से सड़कों पे आ सकती है, कोई भी किसी को मार सकता है, तो हम क्यों ना बिना परमिशन लिए कविता करना शुरू कर दें. इट्स वेरी नाइस स्पेस. वो चीज़ें जो ब्रह्मानिकल हो गई थी, जैसे भरतनाट्यम, कथक, जिसमें हमें एडमिशन नहीं मिला कभी बिकॉज ऑफ माई रिलीजन, क्योंकि हम मुसलमान थे. आई कुड नॉट डू भरतनाट्यम क्योंकि 2 महीने ऐसे मुहर्रम के थे जिसमें हम डांस नहीं करते थे, तो इस वजह से मेरी वो ट्रेनिंग छूट जाती. हेंस आई वॉज नॉट टेकन एज अ डिसाइपल. सो आई थॉट वाई नॉट, यहाँ पे जो चीज़ें ब्रह्मानिकल हो गई हैं उनको सड़क पर लाते हैं, बिना किसी ताम झाम के वो सारे डांस फॉर्म्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे भरतनाट्यम हुआ, कथक एंड इवन सितार. तो बहुत सारे ऐसे वुमेन क्वेर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके सड़क के ऊपर बिना किसी परमिशन के जहाँ मर्जी होती थी खड़े होकर कविता करना शुरू करते. और आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज रीक्लेमिंग एंड सबवर्टिंग स्पेसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हमारा छोटा ट्रांसग्रेशन है, लेकिन ये फासिज्म के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है. क्योंकि एक तो परफॉर्म करना सड़क के ऊपर और सड़क को पॉलिटिसाइज करना बड़ी बात, ऊपर से औरत होके टू बी क्वर इंडिविजुअल्स एंड परफॉर्मिंग ऑन द स्ट्रीट्स, एंड दिस इज समथिंग दैट दे कैन नॉट टॉलरेट. सो ये दो चीज़ें हैं, दे आर वेरी लिटिल एक्ट और एक्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेशन, बट आई एम वेरी क्रिएटिव बिकॉज वी सेलिब्रेट दिस रेजिस्टेंस. I'll try to be brief, but you know, we're all bursting with so many stories. I really don't know how much we can do this. But as you can see, both by domain and age, I'm an odd man out here because I am more into management and into workplace. And my work with communities has been basically through being incidental on some of my projects that I did. So I'll just try to share a couple of anecdotes from my work in toilets, transport and workplace. In toilets, you know, 2 years back we had a Dodin here, and a woman advocate was saying that in the High Court she has to walk 15 minutes for a lady's toilet. And that, my dear friends, is the biggest problem that all women face. You know, most women don't drink enough water and get into all kinds of problems, primarily because there are not enough toilets going around. I know an RBI officer who's found that there are officers' toilet and men and women, which is meant for the staff. And as a woman officer, she was expected to go to the women's toilet
not, there was nothing for officers. So she said, I'm an officer, I'll use the officer's toilet. And she just barged in and shocked everybody, even making them drop their pants, I suppose. But then she got a toilet. Because it is not the question of a privilege, it's a question of demeaning the dignity of a person. When you're creating a hierarchy, you cannot undermine the person. That's the thing. When I worked with this sanitation, a lot of people, they're bent upon construction, construction, construction. And all of us know construction is not the problem at all. In fact, in one of the programs that I was conducting for sanitation officers, basically they're Panchayat Raj engineers who only know construction and nothing else. Or irrigation engineers. I don't know. Initially, it was irrigation people. I don't know why they were given this task. But when these people were given these tasks of constructing toilets, in one of the sessions, I made a guy carry water in a plastic ghada. You know, even that he couldn't do. I made him go around the class. I mean, I made each one of them actually go around the class. And then they understood how difficult it is. Because what they don't understand is a woman resists a toilet not because she needs it, she doesn't need it, but because if everybody uses the toilet, she has to bring that much extra water to the house. And she's, as it is, overburdened with work. Nobody helps in water bringing. Nobody. In the urban slum here, my cook, nobody helps her in bringing water. She has to bring all the water from the tap. It's either she or her daughter, her two able sons, and, you know, in Boda Banda here, and her husband, they don't bring water because water is a woman's domain. And when you're talking about toilets, if you're not aware of these things, and in fact, in one or two places only, we've been able to be successful because these somehow have not been able to become policy decisions. You know, creating portable cement containers, because they don't even have enough containers to store water. First is getting that much of water extra. Second is, do you have those many containers? Poor households don't have that. So these are some of the issues where gender has not been considered at all. This is something which came out of my thing. Then in transport, I worked on privatization of transport. And there I found that there's a lady in Sikkim. She's up on the hills and she says, the moment the road transport is privatized, I cannot afford the tempo. You know, you have those big things that go around. So earlier I used to get some money from the city because I could sell my ghee there. Now I can't. So now I've become impoverished because of this. Then there's a lady in Nashik who told us that now it is back to mool and chool for me. Those who are Maharashtrians will understand what I'm saying. Basically, she said that now I can't go to the nearest town because there's no transport. I can't go and sell my stuff because the private transport is going to be expensive. And she said, earlier I was thinking of educating my daughter, but now I can't educate her because I can send my son on a lorry, but I cannot send my daughter on a lorry. And also toilets again, let me just go back. In a lot of high schools, in a couple of, where they were aware collectors, we were able to ensure that the toilets that were built in schools were actually kept open for the girls' students. Because most of the toilets are kept closed. They're locked only for staff use. So she was asked, they were asked to open, and then the enrollment of girl students attending high school became more. Finally, the workplace thing, I just touch upon two incidents, and this I'll specifically talk about scientific establishments, because career in scientific establishments for a woman and a man, you know, they're serious people. Like you said, you know, science nobody understands, but those who take up science are more serious about careers, hopefully. So what happened was when there was a sexual harassment case, and both the man and woman who were both found guilty actually in this particular case, they were sent out of that lab. But after some time, the man was brought back because it's a domain and where it's a specialization, and a woman, man's career cannot suffer. But the woman was never brought back. In another case, a senior officer was held, senior scientist was held guilty of sexual harassment of a young colleague. The girl was transferred. But the man was not touched because, no, he's a very senior scientist, is very valuable. But the girl can go. I mean, these are the kinds of things that, and another IT case where I found that the girl was being considered as uncooperative, not interested in work. And even though everybody is helping her out, she has issues, she has psychological issues, she has family issues.
But the moment the boss was removed after finding that he was definitely involved in intimidating and harassing her, today that girl is doing so well, and she's sent on off-site and abroad assignments, and she's doing excellently in the organization. So there are a whole lot of issues that are still entrenched in our workspaces and everywhere, and this gender debate has to go on and on and on and on, and we have to bash on regardless. Just in the view of having these gender conversations going on, we'll move on to the next panel. And anybody who wants to talk to me about boxing, I'll be outside. Thank you.